आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मणिपुर के 6 बैंड आर्म ग्रुप पीएम मोदी के दौरे का करेंगे बहिष्कार, कहा पूरी तरह से रहेगा लॉकडाउन। विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंट क्लीट रिव्यू का आयोजन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 55 विमानों की समीक्षा की। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान जाजपुर में पत्रकारों पर हमला, 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव को मिला बड़ा सम्मान, बनाया गया स्टार प्रचारक। देश में कोरोना संक्रमण के 16,051 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 206 मरीजों ने तोड़ा दम। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो समय हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, जहां अमेठी में बिजली ठीक कराने के लिए चंदा मांगने के मामले में हुए विवाद ने थाने पहुंचते राजनैतिक रूप ले लिया, जिसकी भनक मिलते ही तिलोई के भाजपा विधायक भी थाने पहुंच गए। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक पर तहरीर बदलवाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद थाने के मुंशी ने विधायक की बात नहीं मानने की कोशिश की, जिसके बाद विधायक ने पुलिस के साथ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर बस्ती से है, जहां 6वें चरण के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जनता से अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में सपा प्रत्याशी त्र्यंबक नाथ पाठक के पक्ष में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी ने परशुरामपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनता से सपा प्रत्याशी ने भी अपील की, जबकि सपा प्रत्याशी मंच पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि बस्ती में 6वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर लगातार सभी पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और जनता को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और बहुत कम ही समय बचे हुए हैं, ऐसे में किस तरह से प्रचार हो रहा है, किस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है? जनता का सहयोग समाजवादी पार्टी को पहले से ही था और जनता का सहयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पश्चिम से चुनाव होते आ रहा है, ऐसे ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनता का सहयोग बढ़ता जा रहा है। नौजवानों का, छात्रों का पूरा सहयोग मिल रहा है, किसानों का। इस बार कितनी सीटें बस्ती से निकल सकती? बस्ती की पांचों सीटें जीत रही। जनता का सहयोग आपके सामने ये उमड़ा हुआ जनसैलाब है, जिसे आप स्वयं देख रहे हैं, जो सुबह 10 बजे से इस टाइम तक बगैर कुछ खाए पिए हम लोगों के समर्थन में खड़े हुए हैं। एक तरफ आपके खिलाफ पूर्व मंत्री हैं और एक सिटिंग विधायक हैं, आप किसको सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जब जनता चुनाव लड़ रही है, उन लोग तो केवल धन बल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा चुनाव जब जनता लड़ रही है तो प्रतिद्वंदी कहाँ रह गया? अरे बहुत कोसों दूर हैं, बहुत दूर हैं लोग। क्षेत्र ने जवाब दे दिया, वापस जा चुके, कोई लड़ाई नहीं है। और चुनाव जब जनता लड़ती है तो कोई लड़ नहीं पाता, कितना भी बाहुबली हो, पैसे वाला हो। जीत हासिल करने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य हरैया विधानसभा के लिए क्या रहेगा, क्या विकास का आप पहला मुख्य उद्देश्य रहेगा? भैया देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो है किसान के, जो नहीं जानो रात के रात लोग रखावत हैं लाठी डंडा लेके, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है। सरकार बनने पर इसके लिए। खबर सीतापुर से है, जहां 4थे चरण में चुनाव होने हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार साकेत मिश्रा को सीतापुर की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी साकेत मिश्रा भाजपा से बगावत करके सीतापुर के सदर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके बाद से ही साकेत मिश्रा लगातार भाजपा के सांसद और जिला अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर छेड़खानी की गई है।
तो आपको बता दें कि सीतापुर में चौथे चरण में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में निर्दलीय पार्टी की तरफ से प्रत्याशी ने भाजपा के जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए टिकट बंटवारे को लेकर छेड़खानी का आरोप लगाया है। देवरिया में भाटापार रानी से सपा प्रत्याशी आशुतोष उपाध्याय हर गांव हर चौराहे पर लोगों से डोर टू डोर संपर्क करते नजर आए। सपा प्रत्याशी आशुतोष उपाध्याय भाटापार रानी विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं। इस बार भी आशुतोष उपाध्याय सपा के लिए चुनावी मैदान में खड़े होते नजर आए। सपा प्रत्याशी ने बताया है कि इस बार सपा की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जब मोदी लहर था तो भाट पार की ईमानदार जनता ने अपने ईमानदार नेता को चुनने का काम किया और पूरे मंडल में समाजवादी पार्टी की सीट जिताने का काम किया। तो आज तो भाजपा के खिलाफ लहर है और समाजवादियों का लहर चल रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो तो भाट पार रानी तो ऐसे ही उसमें एक उनके मुख्यमंत्री बनाने में कड़ी बनी रहे। क्या अपनी जीत अपमान चुके हैं? जीत तो आम जनता से पूछिए, जो लड़ रहा है दो नंबर के। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव जोरों शोरों पर है, जिसको देखते हुए सभी दल चुनाव के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी कड़ी में सूबे के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। फिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इस दौरान दिनेश शर्मा ने कहा कि सपा की चुनावी जनसभा एक राजनीतिक पर्यटक है, उनके लिए अयोध्या राजनीतिक पर्यटन है, हमारे लिए धार्मिक और आस्था का केंद्र है। अयोध्या आए थे, रामलला का दर्शन काहे को नहीं किया? और रामलला का इसलिए दर्शन नहीं किया कि सांप्रदायिकता का उन पर आरोप ना लग जाए। हम लोग उस प्रकार के नहीं हैं, हम लोग मानने वाले हैं। यहाँ व्यापारी, साधु समाज, यहाँ का छात्र, नौजवान, यहाँ का गरीब और किसान, सबके लिए काम करना ये बीजेपी की प्राथमिकता है। अयोध्या नगरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनेगी और यहाँ के व्यापारी, यहाँ के प्रसाद वाले, यहाँ के पुरोहित, यहाँ के साधु संत, इनके सबकी जीवन की व्यवस्था। संभल में भाकियों ने थाने के अंदर धरना दिया। कोतवाली पर अभद्रता और फरियादियों की नहीं सुनने का आरोप लगाया गया। इस धरने के बाद भी थाने में ही पुलिस और भाकियों टिकैत कार्यकर्ता आमने सामने डटे रहे। धनारी कोतवाल विद्युत गोयल के खिलाफ दो तीन दिन पहले किसानों ने थाने का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसके बाद सीओ और भाकियों कार्यकर्ता से हुई बातचीत के बाद भाकियों ने यह धरना खत्म कर दिया है। करतूतों पर दिया जा रहा है। हम कल दो तीन पदाधिकारी आए थे, एक धनारी के गरीब किसान का मामला चल रहा था। तीन दिन लगातार आते हुए हम लोगों का, लेकिन इन लोगों ने सुनी नहीं इंस्पेक्टर साहब ने, बल्कि धनारी थाने से महज 500 मीटर की दूरी का मामला है। जब ये 500 मीटर की दूरी का मामला नहीं सुन पा रहे, फिर आगे कैसे सुन पाएंगे? और फिर किसानों के साथ अभद्र भाषा का, हमारे साथ जो पदाधिकारी उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पैसे को बढ़िया दी जा रही है, रात रात भर खनन चलते हैं, और अगर एक किसान पदाधिकारी डाल ले कोई भी तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। किसानों की बहुत सारी समस्याएँ, बहुत सारी उनको लेकर आज हम बैठे हुए हैं, और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, हम लोग रोडों पर भी जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान कराने के बाद ही। फतेहपुर में किशनपुर विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए किशनपुर पुलिस ने मतदान के दिन शांति भंग कर होने की आशंका पर सैकड़ों लोगों को रेड कार्ड जारी किया है, जिन पर साफ चेतावनी दी गई है कि अगर आगामी 23 फरवरी को विधानसभा चुनावों में शांतिपूर्ण मतदान में बाधा पहुंचाई गई तो उनके खिलाफ कठोरवाही की जाएगी, जिससे क्षेत्र में अब हलचल मची हुई है। तो आपको बता दें कि फतेहपुर में चौथे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा रेड कार्ड भी जारी किया गया है।
सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ क्षेत्र के छतहरी ग्राउंड पर भाजपा और उसके सहयोगी दल की पहली चुनावी जनसभा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और उन्हें राष्ट्रद्रोहियों का साथ देने वाला बताते हुए कचघरे में भी खड़ा किया है। तो आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में जेपी नड्डा ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें राष्ट्रद्रोही करार दिया है। खबर अमेठी से है, जहां एक युवक को भाजपा का झंडा लगाना महंगा पड़ गया। सपा कार्यकर्ता ने युवक के घर पर लगा भाजपा का झंडा उतरवाकर उससे मारपीट की और युवक से सपा को वोट देने के लिए भी दबाव बनाया। इस मारपीट में युवक के सर पर गंभीर चोटें भी आ गईं, जिसके बाद दबंग युवक के खिलाफ पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं भाजपा विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह दबंग युवक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी अब थाने पहुंच चुके हैं। हमारा बीजेपी का झंडा उखाड़ने की धमकी दे रहे थे वो लोग, और मारने की भी धमकी दे रहे थे। कौन कौन था मारने? अयान खान, रिहान खान और फैजान खान मारे भी थे। सर में हमारे चोट भी आई है। अच्छा। लोहे की राड से मारा हुआ है। अच्छा जी, ये धमकी दे रहे थे कि वोट दो सपा में साइकिल को। अच्छा, साइकिल को वोट देने के लिए? नहीं तो रास्ते में मिलोगे तो मारेंगे, ये बोल रहे थे। बीजेपी का झंडा उखाड़। खबर चंदौली से है, जहां बबुरी कस्बा के सिरकुटिया मोहल्ले में अज्ञात कारणों से विवाहिता को चोट लग गई थी, जिसको परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने युवती को देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद चिकित्सकों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भी भिजवा दिया है। तो आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से एक विवाहिता को चोट लग गई थी, जहां चिकित्सकों ने उसे तत्काल देखते हुए मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले पर कार्यवाही करते हुए पुलिस को भी शिकायत दर्ज कराई गई है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।